सबसे कम उम्र के राजस्थान के विधायक बने थे और आपने जनता ने अब आपको दिल्ली भेजा है तो बिल्कुल डेफिनेट रूप से दिल्ली के अंदर ये प्रस्ताव आपके कर कमलों द्वारा बिल प्रदेश का होगा। आज से उम्मीद करते हैं राजकुमार जी को सभी साथियों को धन्यवाद। गोविंद गुरु महाराज को नमन। इस आदिवासी अंचल में काम करने वाले इस समुदाय के स्वाभिमान हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले टाटिया मामा भील भक्ति के माध्यम से इस समाज में जन जागरण करने वाले संत सुरमाल महाराज मावजी महाराज और साथ ही इस इलाके के अंदर मामा मालेश्वर जिन्होंने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर इस समाज को एकजुट करके इस समाज के लिए हक अधिकार के लिए स्वाभिमान के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी राजा रजवाड़ों से लड़ाई लड़ी इन समस्त महापुरुषों को इन गुरुओं को नमन करते हुए मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। आज ये जो कारवां बड़ा है रास्ते में लोग आ रहे हैं ये किसी के बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये 1500 आदिवासी 17 नवंबर 1913 को जो शहीद हुए थे उनका खून है और वो बदला लेने के लिए आई हुई है आज यहां। वो सपना पूरा करना है हमें। बड़े दुख की बात है कि 1913 में एक ही दिन में लाखों की जो संख्या इकट्ठी हुई थी गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में इसी पहाड़ी पे इसी पहाड़ों के आसपास के और उस समय तत्कालीन जो राजा रजवाड़े अंग्रेजों की मदद से गोलियां चलाई और इस नरसंहार में इस पहाड़ी पे महिला भी थी बच्चे भी थे बड़े बुजुर्ग भी थे जवान भी थे और एक ही दिन में अगर 1500 लोग 1500 के करीब लोग एक साथ मरते हैं तो आसपास का जो मध्य प्रदेश वर्तमान में राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र जो उस समय बिल टेरिटरी के नाम से जाना जाता था उस इलाके में क्या स्थिति बनी होगी हम देखते हैं। हमारे गांव में अगर गांव में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है कि व्यक्ति मरता है तो पूरे गांव को तकलीफ होती है पूरा गांव दुखी होता है पूरा गांव शोक व्यक्त करता है और जिस परिवार का व्यक्ति की डेथ हुई है वो परिवार सालों तक ऊपर नहीं आ पाता है। तो इसी पहाड़ी पे 1500 आदिवासी एक साथ मरे गए 1913 के दौरान तो इस इलाके में कितना मातम छाया होगा कितना डर गुस्सा होगा कितना दुख हुआ होगा। ये जो गांव पड़ा था वो गांव आज तक नहीं भरा है। तो लड़ाई किसकी लड़ रहे थे मैं इतिहासकारों को कहना चाहूंगा जिन इतिहासकारों ने बिल प्रांत की मांग को लेकर यहां पर भक्ति के माध्यम से आंदोलन खड़ा किया था भक्ति के माध्यम से उद्देश्य था अंग्रेजों से लड़ाई थी कि हमारा अलग से बिल प्रांत दिया जाए ये उद्देश्य था माध्यम भक्ति था भक्ति के माध्यम से बिल प्रदेश की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय और उस इतिहास को उस सच्चे इतिहास को कई इतिहासकारों ने दो चार लाइनों में सिमट दिया कह दिया कि भक्ति आंदोलन हो रहा था और 1500 आदिवासी मारे गए। इस देश का तो ठीक है लेकिन विश्व का एक भी इतिहास ऐसा नहीं मिलेगा एक भी घटना ऐसी नहीं मिलेगी जहां सिर्फ भक्ति की जा रही थी और गोलियां चलाई थी। आपने किने गड़े उतरे
अगर हमारे पूर्वज सिर्फ नर्क बजाड़ता, भजन करता, सिर्फ भक्ति करता, तो क्या इस बात से अंग्रेजों को दिक्कत थी क्या? भक्ति करने से सिर्फ दिक्कत नहीं थी, लेकिन भक्ति के माध्यम से समाज को जागरूक करके अलग बिलराज कायम कर रहे थे, उस बात से उन लोगों को दिक्कत थी। लेकिन इस इतिहास को बदल दिया गया, उस इतिहास को दबा दिया गया। मैं इस विचारधारा को धन्यवाद देना चाहूंगा, इस विचारधारा की शुरुआत में काम करने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसकी बदौलत बदा दबा हुआ इतिहास वापस उजागर हुआ और आज लाखों की संख्या में इसी पहाड़ी पे ये कारवा खड़ा हुआ है। इस कारवाई के साथ हर समुदाय का व्यक्ति यहां प्रतिनिधित्व कर रहा है, माइनॉरिटी का भी है, एससी समुदाय का भी है, ओबीसी का है, कई जनरल के भाई भी हैं। हमारे साथ वो हर व्यक्ति है जो मानवता में विश्वास करता है, जिसके अंदर छुआछूत है, भेदभाव है, जिसके अंदर शोषण की भावना है, वो व्यक्ति इस विचारधारा का हमेशा विरोध करेगा। जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना है शोषण की, छुआछूत की, शोषण की, वो व्यक्ति हमेशा हमारा विरोध करेगा और हम भी ऐसे लोगों को विरोध करते रहेंगे हमेशा के लिए। हर उस व्यक्ति का, हर उस समाज का सम्मान करेंगे, हर उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे जो मानवता में विश्वास रखता हो, जो छुआछूत में विश्वास नहीं रखता हो, जो शोषण में विश्वास नहीं रखता हो, इन सभी लोगों का, उन सभी समाज का हम सम्मान करेंगे। हमारे पूर्वज भी करते आए थे और हम भी करेंगे, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है। शोषण होता आया है समाज में, बिल प्रदेश की मांग है, कई लोग चाहते हैं, पूछते हैं क्यों। दुख की बात यह है कि हमारे भी समाज के, इस समाज का सर्टिफिकेट लगा के अधिकारी कर्मचारी नेता बन जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि मैं किस सर्टिफिकेट लगाने की वजह से, मैं ये उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन आदिवासी समुदाय का वो व्यक्ति अगर कहे कि मैंने आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया और मैं सिर्फ मेरी योग्यता से आगे बढ़ा, ऐसा कोई माई का लाल हो तो बताओ। दुख होता है जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के बड़ा पेट करके बैठते हैं, बड़े अधिकारियों की पोस्ट पे बैठते हैं, लेकिन उस समाज का आदमी उनके पास जाता है तो वो हीन भावना से देखते हैं। लेकिन वो वक्त भी आ गया है कि ऐसे लोगों को भी समाज समय आने पे समाज के बीच में नहीं बैठने देगा और उनके अंतिम संस्कार में चार लोग भी उनको कंधा देने वाले नहीं मिलेंगे। ये वक्त भी आ रहा है। आज जो समाज की स्थिति बनी हुई है, बिल प्रदेश की डिमांड इसलिए है, बिल प्रदेश नहीं बनने से हमारा आदिवासी समुदाय कुछ राजस्थान में हो गया, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ इधर गुजरात में अंदर, और उसी की वजह से हमारा समुदाय चार हिस्सों में, चार राज्यों में बटा, उस वजह से हमारी संस्कृति का विनाश होने के कंगार पे चली गई, हमारा इतिहास दबा दिया गया। और हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक भूखंड के अंदर जो खनिज है, उन खनिजों को निकाल के चार राज्यों का राजकोष में जमा किया और आदिवासियों को इसका फायदा आज तक नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है, देश के अंदर कुपोषण का आंकड़ा निकाल के देखें, देश में कुपोषित इलाका अगर आता है, रेड इलाका, तो यही बिल प्रदेश की टेरिटरी जो वर्तमान में चार राज्यों में बटा हुआ है, उसी इलाके के अंदर भुखमरी है, कुपोषण है, अशिक्षा है, और उसके जिम्मेदार उस समय तात्कालीन जो लोग राज्यों का पुनर्गठन करते थे, राज्यों का निर्माण करते थे, उन लोगों ने समुदाय के साथ अन्याय किया गया है। कई लोग कहते हैं कि नई पार्टी, नई विचारधारा के लोग इस मांग को कर रहे हैं, हम तो 1913 में जो गोविंद गुरु महाराज ने जो मांग रखी थी, जिनके लिए 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, उसी मांग को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। और इस बात को लेके कांग्रेस के भी कई नेताओं ने यह बात रखी है और वर्तमान में टीएडी मंत्री, और देखा है मैंने राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर टीएडी मंत्री वो बनाया जाता है जो किसी के इशारे पे चलता है,
उनको पर्ची पकड़ा दी जाती है और उनसे पढ़वा दिया जाता है ऊपर माल जी उन्होंने खाली है बिल्कुल आना ऊपर माल जाना ऊपर माल जाते कि नहीं बोली नंदलाल जी मेरा टीएडी मंत्री थे भाजपा से ही बिलोंग करते थे उन्होंने खुद ने कहा था बिल प्रदेश बनना चाहिए तो बाबूलाल जी आज कौन से खेत में मूली हो जो आज के रहो नहीं बनना चाहिए। कई नेताओं ने कांतिलाल जी पुरिया मध्य प्रदेश से उन्होंने आपकी बात रखी थी गुजरात के कई नेताओं ने बात रखी है और राहुल गांधी जी खुद यहां बोल के गए हैं कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है तो क्या बाबूलाल जी उनसे भी ऊपर चले गए ऐसा लग रहा है। मैं कई बार कहता हूं आज यहां पर जो आए हैं वो गरीब परिवार से आदमी आया है इस आंदोलन में इस कार्यक्रम में जो पहुंचा है गरीब परिवार से है जिसके पास पैसा नहीं है दौलत नहीं है बड़े बड़े बंगले नहीं है गाड़ियां नहीं है लेकिन वो यहां पर आया है क्योंकि इसका जमीन जिंदा है इसका जमीन जिंदा है उनके अंदर यह है कि मुझे आत्मस्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है मेरे पूर्वजों का अधूरा सपना पूरा करना है ये दिमाग में। हमारे भी समाज के बहुत सारे पैसे वाले ऐसे लोग जो पेट भरने की लड़ाई लड़ते हैं सुख सुविधा अर्जित करने की लड़ाई लड़ते हैं स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ते हैं और ना नेशनल पार्टियों को भी हमसे यही दिक्कत है हमें यही चाहते हैं हमारे से यही चाहते हैं कि आप सिर्फ भौतिक सुविधा की बात करो पेट भरने की बात करो सरकारी गेहूं की बात करो आप अधिकारों और जल जंगल जमीन की बात मत करो ये चाहते हैं हम सिर्फ